तो नियरली अराउंड 2 वीडियो पहले मैंने वीडियो डाली थी हाउ टू ग्रो दी गेमिंग चैनल करके, एंड इसमें मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले काफी कम व्यूज आए। पर अब यारो तुम लोगों ने जो कमेंट करे है ना भाई, मेरा दिल जीत लिया यार। एंड तुम लोग ने भाई कमेंट्स में पूछ के पागल कर दिया कि भाई माइनक्राफ्ट की वीडियोस तुम कैसे बनाते हो, मतलब कि रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर, टैग रिसर्च और मतलब एडिटिंग कैसे करते हो। तो ये सब तो बता दूंगा, पर यार हाँ, एडिटिंग जरा आज की इस वाली वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अबे बे गाली मत दो यार, सुनो ध्यान से। तो बेसिकली भाई मेरा तुम लोग के लिए एक चैलेंज है, एंड चैलेंज और रीजन दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो सुनो भाई। तो इस वीडियो के बाद मेरी एक और वीडियो आने वाली है, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, एंड उस वीडियो में भाई काफी सही एडिटिंग होने वाली है। अब इसमें चैलेंज ये है कि भाई तुम लोग को उस वीडियो पे कराने हैं 10K व्यूज, एंड लिटरल अगर तो उस वीडियो 10K व्यूज हो गए देन एडिटिंग का ब्रेकडाउन तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ मैं अपने चैनल का मोस्ट वायरल वीडियो भाई वापस सोच ले डिलीट करने वाला हूं, ठीक है। मतलब सॉर्ट ऑफ डिलीट करूंगा, मतलब टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रिमूव कर दूंगा तुम्हारे ही सामने भाई, उसका रिकॉर्डिंग भी आएगी। होली शिट भाई, तो देखते हैं भाई चैलेंज है कंप्लीट हो भी पाता है कि नहीं। इससे तुम्हारा फायदा यह है कि अगर मैं तुमको आज किस वाली वीडियो में एडिटिंग सिखाने गया, देन मैं एक छोटी सी क्लिप उठाऊंगा उसको एडिट करके तुमको सिखा दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली यार बड़ी क्लिप थोड़ी उठाऊंगा भाई, वीडियो भी हो जाएगी। रादर मैं तुमको एक पूरी की पूरी वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ, एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाकर, तो फायदा तुम्हारा ही है ना। तो यार इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे 10K व्यूज करवाना है कि नहीं, बट मेरे को पता है भाई 10K व्यूज होने से रहे तो मेरी वीडियो बच जाएगी। तो या कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं भाई आज की इस वाली वीडियो की तरफ। को सबसे पहली बात आती है रिकॉर्डिंग की, राइट। तो इसमें तो भाई तुम्हें से मैक्सिमम लोगों को कोई इशू होना नहीं चाहिए, और जिनको इशू हो रहा है, मैं तो अपना यूज करता हूँ अपना फोन का जो बिल्ट इन रिकॉर्डर आता है उसको यूज करता हूँ, और जिनको थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ रहा है वो अपना प्ले स्टोर में जाकर चेकआउट कर सकते हो ग्लिप रिकॉर्डर, एंड कुछ ऐसे काफी बेहतरीन रिकॉर्डर मिल जाएंगे तुमको प्ले स्टोर पर, तो चेकआउट तो करो भाई। अब तुमने अपनी वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, अब बारी है वॉइस ओवर की। क्या भाई वॉइस ओवर नहीं करोगे, ऐसे पब्लिश कर दोगे? ए भाई पीकेचू जरा चप्पल लेके आना मेरी। जब भाई तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत और मेहनत करके अपना वॉइस ओवर भी कर ही लो। मैंने लिटरल ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो कि सिर्फ अपना गेम प्ले अपलोड करते हैं, भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। एंड यप, वॉइस एडिटिंग करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ काइन मास्टर का। यप आई नो तुम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यप काइन मास्टर इज द बेस्ट। तो बेसिकली भाई तुमको काइन मास्टर पर अपनी वॉइस एडिटिंग करने के लिए अपने फुटेजेस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी क्लिप्स तुम ऑडियंस को दिखाओगे उसको पहले ऊपर से यहाँ पर लेके आ जाओ, एंड उसके बाद तुमको सिंपली इनके ऊपर वॉइस ओवर करना है अपना। तो ये मेरा प्रोसेस है, मतलब मैं इसको फॉलो करता हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पर कन्वीनियंट लगता है। एंड ये हो जाने के बाद तुमको सिंपली भाई उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद तुमको वापस से काइन मास्टर पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंड उसके बाद तुमको एक्सपोर्ट किए हुए वीडियो को लेकर आना है। यहाँ पर तुमको उसके बाद ऑप्शंस पर जाना है, यहाँ पर तुमको सिलेक्ट कर लेना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो होने के बाद EQ पे सिलेक्ट कर लेना ट्रेबल बूस्टर, एंड ट्रेबल बूस्टर मेरे को पसंद है इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, तुम अपने हिसाब से देख लेना। एंड यहाँ पर तुमको आना है रिवर्ब में, एंड रिवर्ब पे सिलेक्ट कर लेना स्टूडियो, इससे एकदम तुम्हारी वॉइस एकदम स्टूडियो कटिंग लगेगी। तो या एंड उसके बाद बारी आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए तो भाई स्पेसिफिक वीडियो आ रही है ना, तो ये 3 स्टेप के साथ तुम्हारी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी, और उसके बाद तुमको करना है पब्लिश। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो, अभी हम लोग को जस्ट डालना है अपने वीडियो में टाइटल, टैग्स एंड ऑफ कोर्स थंबनेल। एंड फॉर थंबनेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, ये मैं चेक इट आउट, लिंक यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट यार टाइटल के लिए अभी मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए भाई हाफ नॉलेज शेयर करने से मैं तो रहा। तो अब बारी आती है टैग्स एंड कीवर्ड रिसर्च की। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ रैपिड टैग, एंड काफी सही साइट है भाई इसके लिए, तुमको सिंपली पर रैपिड टैग में आ जाना है। उसके बाद तुम्हारा वीडियो का जो मेन सेंट्रल आइडिया होगा तुमको यहाँ पर सिंपली इसको लिख देना है, एंड ये हो जाने के बाद तुमको यहाँ से काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स एंड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तुमको सिंपली यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद तुमको जाना है गूगल लेंस में। गूगल लेंस में जाने के बाद तुमको यहाँ से एक एक कीवर्ड को कॉपी करना है और जाके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। कर दी ना यार नुबड़े यूट्यूबर वाली बात, यार तुम लोग प्रो बंदे हो यार। तो आफ्टर कॉपिंग द कीवर्ड तुम लोग को सिंपली जाना है vidIQ ऐप पर। तो ये ऐप भाई जन्नत टाइप का है, तुमको यहाँ पर सिंपली अपने ऐप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद तुमको यहाँ पर आना है अपने रिसर्च वाले ऑप्शन पर, एंड सिंपली भाई तुमने जो कीवर्ड कॉपी किया उसको पेस्ट करना, और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाकर मतलब कीवर्ड को आगे पीछे कर तुमको जस्ट यहाँ से सर्च कर लेना है, जिस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर बेहतर होगा तुमको अपने वीडियो में उसको यूज कर लेना है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ माइनक्राफ्ट प्लेजर रेड लिखता देन काफी कम स्कोर आता, पर जैसे मैंने यहाँ पर माइनक्राफ्ट प्लेजर रेड कैसे होता है वो लिख दिया देन भाई उसमें कॉम्पिटिशन एकदम कम था, लोग सर्च भी कर रहे हैं, तो एकदम ओवरऑल स्कोर काफी बेहतर निकल गया है कीवर्ड का। तो इसको तुम यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। तो यार सिंपली भाई यही तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो कि मैं फॉलो करता हूँ, और तुमको भी फॉलो करनी चाहिए अगर तुम माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाते हो। तो यप भाई आज के लिए इतना ही था, अगर तुमको वीडियो पसंद आई देन हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, 2K सब्सक्राइबर्स के इतने क्लोज है यार, करवा दो। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तो अंटिल देन पीस आउट।